तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम लोग एसी खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं तब हम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए, कौन सा स्टार वाला एसी हम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्यों फाइव स्टार एसी वाला जो एसी होता है उसका बिजली का बिल कम आता है। तो ये सारे चीज को हम क्लियर कर देंगे और एक एसी लेने से हम लोगों का कितना बिजली खाता है, एक एसी थ्री स्टार एसी कितना बिजली खाता है, फाइव स्टार एसी कितना बिजली खाता है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं आज इस वीडियो पे आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, और उसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो दोस्तों सिंपल सा बात, मैं एकदम फटाफट इसको क्लियर कर देता हूं, ज्यादा घुमा फिराऊंगा नहीं, कि देखो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब एसी खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर एक लेवल लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं बीए लेवल, उस पे आप लोगों को स्टार रेटिंग दिखता है। स्टार रेटिंग कैसे पता चलता है, जितने सारे स्टार्स रेड कलर के अंदर होते हैं उतने स्टार का एक एसी होता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे एक चीज लिखा रहता है, आप लोगों को स्क्रीन पे जो लेवल दिख रहा होगा लिखा है 3.70। ये 3.70 क्या होता है, ये होता है ईआर रीडिंग, एनर्जी एफिशिएंस रेशियो। इसके साथ साथ नीचे देखिए और एक चीज लिखा है कूलिंग कैपेसिटी 5 to 50 watt, ये एक डेढ़ टन का एसी का कूलिंग कैपेसिटी है। आप लोगों को दिमाग में आ सकता है कूलिंग कैपेसिटी तो हम लोग टन पे हिसाब करते हैं, एक टन डेढ़ टन दो टन, अचानक से ये वाट का क्या हो गया। दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा एक टन इक्वल्स टू कितना वाट, कैसे ये कन्वर्शन वगैरह होता है सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। फिर देखिए कि वो है कूलिंग कैपेसिटी 50% जो है 2625 watt, सिंपल सा मोटा मोटा हिसाब है, डिवाइडेड बाय 2 करो जो 100% पे था 5 to 50 को तो 2625 आता है। उसके नीचे एक चीज आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन जो इस एज पर दिस लेवल 1097 watt पर यूनिट्स पर ईयर, ये भी वाट के हिसाब से आता है। अब देखो भाई कि जो बेसिकली जो एनर्जी एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ईयर इक्वल्स टू एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक अप्रोक्स हिसाब है और हर साल ये बीई के द्वारा जब ये लेवल को बनाया जाता है उसको चेंज होते रहता है, क्योंकि आज से 3 साल पहले जो एसी को हम लोग 3 स्टार पे मानते थे वो आज 1 स्टार पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होते रहता है तो एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो भी कम होते रहता है। तो देखो भाई आज का ये जो वीडियो पे मैंने लेवल को लिया है उस पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि उधर लिखा है 1097 यूनिट्स पर ईयर, तो इसका मतलब है पहले ये जो एनर्जी कंजम्पशन थी इसको वाट पे रिलीज किया जाता था इस लेवल पे, बट अब आपको क्लियरली बोल दिया जाता है कि 1097 यूनिट्स पर ईयर आपका खर्चा होगा आप अगर एक एसी को नॉर्मली चलाते हो, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 26-27 एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड लेवल पे आप लोग अगर उसको मेंटेन करके चलाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो एसी का खर्चा है या जो यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा वो होगा 1097। अब 1097 के अगर आपके इलाके पे उसका जो प्राइस है पर यूनिट का अगर 7 रुपए तो आपका साल भर में खर्चा होगा 7,000 रुपया 7,500 रुपया जिस हिसाब से आप उसको चलाओगे। अब बात आता है कि जो लोग 26 पे बिजली एसी को मेंटेन करते हैं उसका बिल क्यों कम आता है, जो लोग 22 17 पे चलाता है उसका क्यों ज्यादा आता है, क्यों बोला जाता है कि 17 18 पे ज्यादा मत चला उसको 24 26 27 पे रखो तो आपको बिजली का बिल कम आएगा। ऑब्वियस बात है कि आप लोग अगर ज्यादा जो 26 27 पे है उसको अगर आप लोग टेम्परेचर को मेंटेन करोगे तो उस कंप्रेशर जो आपका है वो ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्रेशर जितना ज्यादा चलेगा उतना आपका ज्यादा बिल आएगा। देखो हम लोगों का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो लगभग 27-28 को मेंटेन कर सकता है, बट जब आप एसी का टेम्परेचर 17 पे लेके जाते हो तब आपका वो मेंटेन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है जब आपका एसी टेम्परेचर 17 पे आपका रूम टेम्परेचर 17 पे आ जाता है तो कंप्रेशर उसको काम करना बंद कर देता है, फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं फिर कंप्रेशर को चालू होना पड़ता है फिर उसको 17 पे लेके आने के लिए। इससे क्या होता है कंप्रेशर चालू होता है बंद होता है चालू होता है बंद होता है, तो इससे एनर्जी जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होते रहता है। और अगर आप लोग 26, 27 पे जाके उसको सेट कर देते हो तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो ज्यादातर 26, 27 को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है उसको साथ ये मैनेज हो जाता है। तो जब आपका रूम का टेम्परेचर 26, 27 पे आ जाता है तब जो एसी का कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है और रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरता या ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो इसलिए कंप्रेसर को बार बार चालू होने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो कंप्रेसर जितना कम चलता है उस हिसाब से आपका बिजली का बिल भी कम आता है।
अब बात आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, दुकान पे बोलेगा आपको फाइव स्टार एसी ले लो, बिजली का बिल कम आएगा। क्यों फाइव स्टार एसी लेने की बिजली का बिल कम आता है? मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, जिसका बताया मैंने कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ईआर इक्वल्स टू एनर्जी एफिशिएंसी। ये अप्रोक्स है, आप इसको एकदम ऐसे ही मत ले लेना कि कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ईआर करने से जो आएगा वही होगा, बट ये लेवल पे तो उल्टा सीधा दिखा रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये एक अप्रोक्स चीज है। अब देखो, अगर आपका एक थ्री स्टार एसी पे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1000 आता है, तो ये हिसाब करके देखा गया है कि अगर आप लोग एक फाइव स्टार एसी को लेते हो, डेड टन एसी के लिए मैं बोल रहा हूं, तो उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो लगभग 800 के आसपास आता है। तो एक यूनिट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, तो अगर आपका 800 वाट आ रहा है तो आपका बिजली जो है वो एक यूनिट से भी कम खर्चा हो रहा है। तो मतलब आपका अगर एक यूनिट का 7 रुपए है, तो 800 वाट मतलब एक यूनिट के कम खर्चा होने से वो लगभग कोई 5-5.5 रुपया तक आ जाएगा। तो आप जहां पे आपका दिन पे 7 रुपया करके चलाने से 35 रुपया आ रहा था, अगर उसको 5 रुपया करके 5 घंटे चलाओगे तो ऑब्वियसली 25 रुपीज आएगा, तो आपका 10 रुपया सेव है। तो इसीलिए बोला जाता है आप जितने मतलब फाइव स्टार एसी लोगे तो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होगा, थ्री स्टार एसी लोगे तो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा। यही एकदम नॉर्मल सिंपल सा हिसाब है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। मेरे को ये समझाना था, आप लोगों को समझा दिया मैंने। अब आप लोगों का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे को ट्विटर पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप लोग पूछो, मैं हमेशा आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।